हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में एक और न्यू इंटरेस्टिंग कस्टमाइजेशन थीम के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक न्यू थीम है जिसे आप थीम को इस्तेमाल करने के बाद बोलेंगे वाह क्या थीम, बताइए। जी हाँ, देख सकते हैं बहुत सारे इसमें कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस अपने फ़ोन के अंदर इसे अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए बताता हूँ इसके अंदर क्या कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं, इस थीम का नाम कैसे क्या है और कैसे इसको डाउनलोड करना है, वो भी इस थीम स्टोर के अंदर ही। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छी थीम है तो लाइक तो बनता ही है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं होम स्क्रीन पर। तो होम स्क्रीन में आपको कुछ इस प्रकार का लेआउट देखने को मिलेगा, एज इसमें आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार का, किस प्रकार का क्लॉक चाहिए। तो इस प्रकार का क्लॉक जिस प्रकार का आपको चाहिए उस प्रकार का आप सेट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, इसमें कस्टमाइजेशन आपको अलग से देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपको पसंद आने वाला। जी हाँ, इसके अंदर आप चार्जिंग एनिमेशन को अनेबल कर सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार का आपको चार्जिंग एनिमेशन चाहिए वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं इस प्रकार का चाहिए, इस प्रकार का चाहिए या इस प्रकार का चाहिए, तो वो अभी आपको दिखाता भी हूँ। तो देख सकते हैं मैंने ये चार्जिंग एनिमेशन अनेबल कर लिया और अपने फ़ोन को एक बार चार्ज लगा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इस प्रकार का चार्ज लगाऊंगा, वो एनिमेशन तो दिखाएगा, लेकिन उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार का आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको एनिमेशन चेंज करना है, इस प्रकार का रखना है तो ये भी आप रख सकते हैं। तो हम जो करते हैं स्लाइड में देखते हैं, इस प्रकार का चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल रहा है। अगर चाहें आपको इस प्रकार का, इस पर सेलेक्ट करते हैं और इस पर हम करते हैं तो इस प्रकार का आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, देखते हैं अब इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर स्लाइड करते हैं तो इस प्रकार का आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल रहा है। तो चार्जिंग एनिमेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग दिए हुए हैं को इस थीम के अंदर, तो काफ़ी अच्छी थीम है। और यहाँ पे देखते हैं इस तीसरे नंबर पर रोक क्लिक करूँगा, आपको एजेस किस प्रकार की चाहिए, आपकी वाटर ड्रॉप नोच है, नोच वाली है या इस प्रकार की है या इस प्रकार की है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इन दोनों में से कुछ मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखते हैं जिस प्रकार को आपको एजेस चाहिए उस प्रकार के आप एजेस रख सकते हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर आप इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार का इफेक्ट चाहिए, इस प्रकार का इफेक्ट चाहिए। हालांकि मैं इसका इफेक्ट, मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगे तो मैं इफेक्ट यूज ही नहीं करता, तो इफेक्ट को मैं ऑफ रख सकता हूँ। लेकिन आपको चाहिए इफेक्ट तो इफेक्ट भी इस थीम के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, देखते हैं इस प्रकार का, इसके अंदर आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर किस प्रकार से कलर्स रहने चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर सेलेक्ट किया और स्लाइड किया तो देख सकते हैं वॉलपेपर का कलर चेंज हो, वॉलपेपर चेंज हो गया। इस पर करता हूँ और वापस स्लाइड करता हूँ तो इस प्रकार का वॉलपेपर देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारे इसमें इंटरेस्टिंग वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारा कुछ आप सेट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करूँ इस थीम के, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखते हैं इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये देखते हैं थीम की जो भी सेटिंग है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ये थीम की सेटिंग है जो कि थीम की अलग से सेटिंग है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, नीचे भी आपको वो अबाउट में फेसबुक पेज पे ले जाएगा तो वो कुछ अपने काम का नहीं है। तो ये होगी इसकी कस्टमाइजेशन की बात। अब अंदर से बात करूँ तो इस प्रकार का आपको लेआउट देखने को मिलता है। हालाँकि आपको ये चीज़ें पसंद ना आए तो आप इसे हटा भी सकते हैं, जैसे कि ये स्टेटस बार पसंद नहीं आ रहा है, ये इसके आइकन स्पेक्स नहीं देता पसंद आ रहा है, तो इस थीम को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। माय थीम में अगर मेरे चैनल को फॉलो करते होगे तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन थीम जाइए, जो भी आपके लॉक स्क्रीन की स्टाइल चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्लासिक की चाहिए तो ये हम अप्लाई कर लेंगे तो हमारा थीम वही अप्लाई है, कस्टमाइजेशन वही देखने को मिलेगी, चार्जिंग एनिमेशन वही देखने को मिलेगी, लेकिन जो होम स्क्रीन है वो उस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेटस बार भी आप चेंज कर सकते हैं, जिस प्रकार का आपको चाहिए वो भी रख सकते हैं। जो जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही इस थीम की वो सारे कुछ आप चेंज कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कई चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट कर लेना। अगले चेंज की बात करूँ तो देख सकते हैं इसके अंदर आप जैसे कि फुल स्क्रीन गेस्चर आप यूज़ करते हैं तो देखते हैं इस प्रकार का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा गेस्चर का, तो ये भी इसका इंटरेस्टिंग फीचर हो जाता है। तो ये कुछ आपको देखने को मिलते हैं इस थीम के अंदर, दो थीम आपको देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार का आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। सिंपली आपको थीम स्टोर में जाना है, अब बस डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूँगा, तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है मिक्स प्लस, PLUS प्लस सर्च मारेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का थीम देखने को मिलता है। दोनों थीम काफ़ी बेस्ट है, दोनों ही थीम एक जैसी है एक प्रकार से, तो दोनों में से आपको जो सेट बैठता है वो सेट कर दें। मैंने ऑलरेडी दोनों ही डाउनलोड कर रखे, आप जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम थीम दिखाएगा तो आपको एक ऐड देखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है ना, तो इस वजह से आपको देखने मिलता है। तो ये देखते हैं दोनों का नाम दिया हुआ, दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर, वैसे अभी जो मैंने दिखाया था ये वाला था, ठीक है।
तो जो भी आपको सेट बैठे वो आप अप्लाई कर लीजिए अपने फ़ोन में डाउनलोड करके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है आपके फ़ोन के लिए थीम। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरव्यू, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।